हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इरिटेरिया का 7500 जीके जीएस बुक है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है उसे आपको बताना है। तो देखते हैं, भीम बेटिका की गुफा है, इसका खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता हो जाएंगे विष्णु, श्रीधर, वाकणकर, ये सही है। उसके बाद है पचमढ़ी की शैल चित्र, जो कि डीएच गार्डन इसके खोज किए थे, ये भी सही है। भरौत के स्तूप, जो कि इसका खोज किए थे अलेक्जेंडर कनिंगम, ये भी सही है। रूपनाथ के जो अभिलेख है इसका खोज टी पैंथलर नहीं किए थे। रूपनाथ के जो अभिलेख है इसका खोज टी पैंथलर नहीं किए थे। अशोक के जो पहला शिलालेख था उसका खोज किए थे टी पैंथलर 1750 में। और अशोक के पहला शिलालेख के पढ़ने के पढ़ा था किसने? तो जेम्स प्रिंसपे पढ़े थे। कब? तो ये कब पढ़े थे? तो ये पढ़े थे 1837 में। आगे देखेंगे, रूपनाथ का जो अभिलेख है इसका संबंध हो जाएगा अशोक से। भरौत स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। पचमढ़ी के शैल चित्र जो है ये सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है, कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे, भीमबेटका गुफाएं जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेना में है, ये चारों जो है ये रायसेना में है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पचमढ़ी या पचमढ़ होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो गुप्तकालीन मंदिर में बताना है आपको कि कौन इनमें मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है। तो जो 10 अवतार मंदिर है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। बाकी नचना कुठार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और तिगुआ का विष्णु मंदिर, ये सभी कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। गुप्त वंश जो था इसके संस्थापक थे श्री गुप्त। गुप्त वंश की राजधानी कहेगा तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। और गुप्त काल को भारत के स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है उसे देखना है। बारी बारी देखते हैं। इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे, ये सत्य है, क्योंकि हड़प्पा काल में चावल का साक्ष्य मिला है कोल्हिवा से। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी और इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था, यही गलत है। उत्तर हड़प्पा काल में ये अग्नि पूजा की परंपरा नहीं थी। अग्नि पूजा कहेगा या अग्नि मंदिर, तो ये पारसी धर्म के पूजा स्थल है, जिसका संस्थापक कहेगा तो जरतुष्ट थे। हड़प्पा काल में लोग पशुपति के पूजा करते थे। इस काल में शिल्पकला उन्नत थी, जिससे मृद भांड को चिकने और चमकीले बनाते थे, ये भी सही है। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी, ये भी सही है। इसमें कह रहा था क्वेश्चन में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें बी जो कथन है गलत है। हड़प्पा काल में लोग किसके पूजा करते थे? तो पशुपति के पूजा करते थे। हड़प्पा के खोज किए थे 1921 में दयाराम साहनी ने। आगे देख लेंगे, 4 नंबर हो जाएगा, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु, यानी कि प्रशासनिक प्रणाली के लिए। और मनसबदारी प्रथा है इसका प्रारंभ किसने किया था? तो अकबर ने किए थे। मुगल काल के किसके काल को स्वर्ण काल कहते हैं? तो अकबर के काल को मुगल काल के स्वर्ण काल कहा जाता है। वैसे कहेगा भारत के किस वंश के शासन काल को स्वर्ण काल कहते हैं? तो गुप्त वंश के शासन काल को स्वर्ण काल कहते हैं। मुगल में कहेगा तो अकबर के काल को हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 5 नंबर है, मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नसीरी नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की? तो इसमें हो जाएंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद को, जो पुस्तक था नबकात ए नसीरी, ये नसीरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित था। नसीरुद्दीन मोहम्मद से जो बलबन थे अपनी बेटी के शादी कराए थे नसीरुद्दीन मोहम्मद से, और उसके बाद बलबन ने नसीरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाए थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद ये जीविका निर्वाहन के लिए टोपी सीकर जीता था, यानी कि ये पहला मुगल शासक था जो कि
टोपी सीकर अपने जीविका निर्वाहन करता था। जिसके बाद बलबन ने अपनी पुत्री की शादी कराई, उसके बाद इसे सुल्तान की उपाधि दी थी, यानी कि सुल्तान बना दिया था। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो ये अपनाए थे बलबन। रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे पागल बादशाह की संज्ञा दी जाती है, और इन्होंने सांकेतिक मुद्रा की प्रचलन कराई थी। सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक चलाए थे। इनके शासनकाल में मोरक्को का जो निवासी था इब्न तूता भारत आया था 1333 ईस्वी में, और इब्न तूता के पुस्तक के नाम कहेगा तो ये हो जाएगा रेहला। आगे देखेंगे, 6 नंबर हो जाएगा, उज्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? उज्बेकों का विद्रोह हुआ था अकबर के काल में। जप्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये अकबर किए थे, और इनके दरबार में 2 चित्रकार रहते थे, दशवंत और बसावन। शाहजहाँ के जो शासनकाल था, इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। स्थापत्य कला के स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के दरबारी चित्रकार कहेगा तो अबुल हसन हो जाएंगे और मशहूर हो जाएंगे, ये जहांगीर के दरबार में रहते थे। वही दशवंत और बसावन कहेगा तो ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके जयपुर किला में रखा था, और कब कैद किया था? तो 1666 में। और औरंगजेब ने ही शिवाजी को राजा की उपाधि भी दी थी। दोबारा राज्याभिषेक करवाने वाला मुगल शासक कौन था? तो औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, और 2 बार शासन करने वाला शासक कहेगा मुगल शासक, तो ये हो जाएंगे हुमाऊ। आगे देखेंगे 7 नंबर, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो ये आए थे जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में आने वाले प्रथम अंग्रेज कहेगा तो कैप्टन हॉकिंस थे, जो कि 1609 में आए थे। दूसरा अंग्रेज कहेगा तो टॉमस रो थे, जो कि जहांगीर के दरबार में 1615 में आए थे। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? तो ये जहांगीर स्थापित किए थे। अकबर कौन सा यंत्र बजाता था? तो ये नगाड़ा बजाता था। वही औरंगजेब कहेगा तो ये वीणा बजाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, और अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। शाहजहाँ के उपनाम कहेगा तो ये हो जाएगा खुर्रम। आगे देखेंगे 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध शोर कमेटी से है? तो जो कमाटा गारू की घटना हुई थी, इसके संबंध हो जाएगा शोर कमेटी। कमाटा गारू क्या था? तो ये जापानी जहाज था जो कि बाबा गुरुदत्त भाड़े पे लिए थे, और ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? तो पंजाब से कनाडा जा रहा था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में, और ये हुआ था महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो इसमें मुस्लिम लीग के संस्थापक हो जाएंगे ख्वाजा सलीम उल्लाह खां। ख्वाजा सलीम उल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग के गठन हुआ था 1906 में, कहाँ पे? तो ढाका में। आगा खां इसके अध्यक्ष थे। सर सैयद अहमद खां ने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। 10 नंबर हो जाएगा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था मार्च 1940 में, और ये कहाँ पे किया गया था? तो लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था, और मुस्लिम लीग ने सीधे कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939, और सीधे कार्रवाई दिवस कहेगा तो 16 अगस्त 1946। ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है जो कि पूछते रहता है। आगे देखेंगे, मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। उक्त कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन महात्मा गांधी की है। मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। यह कथन कहेगा तो महात्मा गांधी की है। आज़ाद दस्ता के गठन किसने किया था? तो ये किए थे जयप्रकाश नारायण। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आगे देखेंगे 12 नंबर है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए,
संविधान के कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद पे ध्यान दीजिए और कह रहा है इनमें से कौन सा मिलान सही है तो देखते हैं। अनुच्छेद 72 में क्या है तो इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, ये सही है। अनुच्छेद 143 में क्या है तो सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार होगा, ये सही है क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श लेते हैं किससे तो सर्वोच्च न्यायालय से, ये भी सही है। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 360 में है, ये भी सही है। अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और कार्य का उल्लेख करता है, ये गलत है। अनुच्छेद जो 148 से 151 है इसमें भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है, भारत के अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 76 में जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है और वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 2 माह के भीतर। 2 माह से पहले वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और आगे दिए गए कोड का उपयोग करके सही चुनिए। चुनाव आयोग के गठन किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है तो चुनाव आयोग के गठन किया जाता है अनुच्छेद 324 के तहत। वित्त आयोग के गठन होता है अनुच्छेद 280 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है तो अनुच्छेद 338 के तहत। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के उल्लेख किस में है तो अनुच्छेद 148 में। चुनाव आयोग के गठन हुआ था कब तो ये हुआ था 25 जनवरी 1950 में। चुनाव आयोग के गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में और चुनाव आयोग कब त्रिस्तरीय हो गया था तो ये हुआ था 1989 में। वित्त आयोग के गठन हुआ था 1951 में और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 उनके सदस्य लेकर टोटल कितने होते हैं तो 5 होते हैं, एक अध्यक्ष होंगे और 4 असिस्टेंट, टोटल हो जाएगा सदस्य की संख्या 5 है। चुनाव आयोग के गठन होता है अनुच्छेद 324 के तहत और वित्त आयोग के कहेगा तो अनुच्छेद 280 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन किया गया था अनुच्छेद 338 के तहत और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के उल्लेख किया गया अनुच्छेद 148 में। आगे देखेंगे 14 नंबर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है तो ये हो जाएगा समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है तो समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका पर नहीं किया जा सकता है। बंधुआ मजदूरी मामले के आधार पर किया जा सकता है, यानी कि बंधुआ मजदूरी के मामले में किया जाता है, उपेक्षित बच्चों के संबंधित मामले में किया जाता है और मामला दर्ज करने से इनकार करने पर पुलिस के खिलाफ याचिकाएं की जाती है। बाकी किस में नहीं की जाएगी तो समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका इस पर नहीं की जा सकती है। भारत में बंधुआ मजदूर अधिनियम कब लाया गया था तो 1976 में। और कहेगा भारत में जनहित याचिका के जनक किसे कहते हैं तो पीएन भगवती को कहते हैं। आगे हो जाएगा 15 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया है तो संविधान के हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया है संविधान संशोधन 58 के तहत। 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून लाया गया था 1985 में। 54वां संविधान संशोधन के संबंध किससे हो जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में बढ़ोतरी से संबंधित हो जाएगा 54वां संविधान संशोधन। और 56वां जो संविधान संशोधन था इसके तहत 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य के दर्जा दिया गया था और दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान है तो वर्तमान में 5 प्रकार के दंड विद्यमान है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है और ये कौन कौन सी है तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, जिसका ट्रिक हो जाएगा असरा, अस हो जाएगा आर्थिक, सस हो जाएगा सामाजिक, रास हो जाएगा राजनीतिक। जो प्रस्तावना है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
आगे देख लेंगे 17 नंबर है, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो लोक अदालत के समय में संबंध में इसमें जो ऑप्शन बी है गलत है, लोक अदालत सभी दीवानी और अपराधी के मामलों से निपट सकती है, जो कि गलत है। ये सभी दीवानी और आपराधिक मामलों से नहीं निपट सकती है। बाकी कौन कौन सा इसके संबंध में सही है देख लेते हैं। तो लोक अदालत में किसी न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है। लोक अदालत की अधिनिर्णय एक मान्य डिग्री होता है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं होता है। ये तीनों जो था सही था। भारत में लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य में हुआ था, गुजरात में 1982 में। आगे देख लेंगे 18 नंबर हो जाएगा, पूर्व की ओर देखो यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई थी। तो पूर्व की ओर देखो कह रहा है कि नीति किसके सरकार के दौरान ग्रहण की गई थी, तो नरसिम्हन राव के सरकार के समय ये ग्रहण की गई थी। नरसिम्हन एक समिति आता है, नरसिम्हन समिति के संबंध कहेगा किससे होता है, तो बैंकिंग सेवा सुधार से होता है। समिति कहेगा तो बैंकिंग सेवा सुधार से है। मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण के पिता कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध हो जाएगा कारगिल युद्ध से, जब कारगिल युद्ध हो रहा था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। कारगिल युद्ध के समय भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन विजय। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है और कारगिल की युद्ध हुआ था 1999 में। 19 नंबर हो जाएगा, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो चक्रवात के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं इसमें केंद्र में दाब ऊंच होता है, जो कि गलत है। इसमें चक्रवात में केंद्र में दाब ऊंच नहीं होता है बल्कि कम होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी के सुई के अनुरूप होता है, जो कि गलत है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में क्या होता है, तो इसकी जो दिशा होती है घड़ी की सुई की विपरीत होती है, अनुरूप नहीं होती है विपरीत होती है। बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में जो इसकी दिशा होती है, इसकी दक्षिणी गोलार्ध में दिशा होती है ये क्या होता है, तो घड़ी की सुई की दिशा में होती है, विपरीत नहीं होती है। ये तीनों क्या है, तीनों ऑप्शन गलत है। चक्रवात के बारे में कौन कौन सा कथन सही होगा देख लेते हैं। जो कथन था उसे गलत है, उसे सही बना दिया गया है। तो चक्रवात में क्या होता है, तो इसके केंद्र में जो दाब होता है ये कम होता है, और चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में जो इसकी दिशा होती है ये घड़ी के सुई के विपरीत होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में होती है घड़ी के सुई की दिशा में होती है। आगे देख लेंगे, आगे है और इसमें क्या होता है चक्रवात में, तो तेज हवा होता है और बारिश भी होता है। 20 नंबर है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा चिनाव नदी। चिनाव नदी के प्राचीन नाम कहेगा तो अस्किनी नदी हो जाएगा। सतलज के प्राचीन नाम कहेगा तो सतुद्री नदी। झेलम के प्राचीन नाम कहेगा तो बितस्ता नदी हो जाएगा। और ब्यास के प्राचीन नाम क्या है, तो विपाशा नदी। 21 नंबर है, निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है, तो इसमें जो पारसनाथ है, पारसनाथ पर्वत ये वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। पारसनाथ ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। आल्पस जो पर्वत है ये यूरोप में स्थित है, और हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है, और कहे किस चट्टान से हुआ है, तो औषधीय चट्टान से हुआ है। आगे देख लेंगे, 22 नंबर हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। लौ अयस्क कहेगा खान, लौ अयस्क की खान गुआ और नौ मुंडी, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो स्थित है झारखंड में। लौ अयस्क खान कहेगा मिलान करें तो ये है गुआ और नौ मुंडी है। तांबे की खान कौन सी है, तो तांबे की खान हो जाएगा बालाघाट, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बॉक्साइट की खान कहेगा कौन सा है, तो अमरकंटक पठार हो जाएगा बॉक्साइट की खान, और ये छत्तीसगढ़ में है। अभ्रक की खान कौन सी हो जाएगी, तो नेल्लौर, और ये आंध्र प्रदेश में है। लौ अयस्क की खान गुआ और नौ मुंडी झारखंड में है। तांबे की खान बालाघाट मध्य प्रदेश में है। बॉक्साइट की खान अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ में है, और अभ्रक की खान नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। भारत में राजस्थान में भी तांबा की कहेगा उत्पादन होता है कहाँ से, तो राजस्थान में तांबा के उत्पादन होता है खेतड़ी से। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो अष्टम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ कहते हैं। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर है,
उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो देखते हैं। उत्तर भारत में शीत ऋतु के शीतलहर के संबंध में कथन पर विचार करना है तो समुद्री प्रभाव का अभाव रहता है, समुद्री प्रभाव के क्या रहता है तो अभाव रहता है, ये सही है। और उत्तरी भारत हिमालय क्षेत्र के नज़दीक है, ये भी सही है। जो उत्तर भारत है ये हिमालय क्षेत्र के नज़दीक है। तीसरा हो जाएगा कि वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्र से उत्तरी भारत में आती है, जो कि गलत है। वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्र से उत्तरी भारत में नहीं आता है। इसमें कथन कौन कह रहा है, कौन कौन सही था, तो एक और दो कथन सही है। उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में जो कथन है ये एक और दो सही है। इसमें क्या होता है तो इसमें दिन में गर्म एवं रात में ठंड हवा बहती है। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है, तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्योंकि क्षोभ मंडल में ही सभी वायुमंडलीय घटना किस में होता है, तो क्षोभ मंडल में ही होता है। और इसमें घनत्व जो होता है, इसमें घनत्व अधिक होता है। हवाई जहाज किस में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। उल्का पिंड की घटना किस मंडल में होता है, तो मध्य मंडल में उल्का पिंड की घटना होती है। सैटेलाइट कहाँ पे स्थापित किया जाता है, तो बाह मंडल में। 25 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे मोलोसिस बेसिन भी कहा जाता है, तो मोलोसिस बेसिन कहा जाता है किसे, तो मिजोरम को। और फवांगपुई की जो पहाड़ी है जिसे नीला पहाड़ी के उपनाम से जाना जाता है, ये मिजोरम में ही स्थित है। कुकी जनजाति मणिपुर राज्य की जनजाति है। खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है, तो त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। सारामती पर्वत किस राज्य में है, तो नागालैंड में है। आगे देख लेंगे 26 नंबर हो जाएगा, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुआ था 1961 में। और भारत में पहला उर्वरक की कारखाना कहाँ पे खोला गया था, तो सिंदरी झारखंड में 1951 में। और भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1961 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। DRDO के गठन कब हुआ था, तो 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। GIC के गठन कब हुआ, 1972। 27 नंबर है, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है, तो ये होता है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है, तो ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है। एगुलिना के अन्य नाम क्या है, तो एगुलिना के अन्य नाम हो जाएगा हरा प्रोटोजोआ। जो मलेरिया है ये किसके द्वारा होता है, तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया होता है। अमीबा क्या है, तो ये एक प्रकार के कवक है और ये एक कोशिकीय जीव है। आगे देख लेंगे 28 नंबर है, वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थ को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्राणी समभोजी। वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थ को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्राणी समभोजी। और वे जीव जो किसी अन्य पर आश्रित होते हैं उसे कहते हैं परजीवी। और मृत परजीवी क्या है, तो ये मृत जीव से अपने भोजन ग्रहण करते हैं। सजीवी के उदाहरण हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन क्या है, तो ये सजीवी है। और लाइकेन के सजीवी हो जाएगा कवक और शैवाल। 29 नंबर देखेंगे, पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है, तो यह पर्ण हरित को सक्रिय करता है। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह किसको सक्रिय करता है, तो पर्ण हरित को। पर्ण हरित के कारण ही पेड़ पौधे के जो पत्ता होता है हरा होता है और इसके केंद्र में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। एमाइलेज क्या करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। एमाइलेज जो एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और जो पादप में क्या पाया जाता है, तो कोशिका पाया जाता है। पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है लेकिन जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। आगे देख लेंगे 30 नंबर, पेशी तंतु के पेशी द्रव्य में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता पाई जाती है, तो ये हो जाएगा मायोग्लोबिन। पेशी तंतु के पेशी द्रव्य में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता पाई जाती है, तो मायोग्लोबिन हो जाएगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु उपलब्ध होती है, तो ये हो जाएगा कौन सी, तो लोहा। पेशी ऊतक के कारण ही हमारे शरीर में गति संभव हो पाता है। पेशी ऊतक के कारण ही हमारे जो शरीर है उसमें गति संभव हो पाता है।
31 हो जाएगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रण करता है, तो ये करता है प्रतिवर्ती क्रिया पर। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रित करता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया पे। आगे हो जाएगा द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं, तो ये होते हैं सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में। द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं तो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में। अधिक विकसित पौधे में फल और बीज द्वारा लैंगिक जनन होता है। अधिक विकसित पौधे में फल और बीज के द्वारा लैंगिक जनन होता है। आगे देख लेंगे 33 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है, तो किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। और न्यूक्लिक अम्ल के उदाहरण हो जाएगा डीएनए और आरएनए। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के द्वारा दौरान किसमें टूटता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान CO2 और जल में टूटता है। प्रोटीन क्या है, तो ये प्रोटीन जो है एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक है। 34 नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है, तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु हो जाएगा मोनोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु हो जाएगा मोनोसाइट, और श्वेत रुधिराणु को अन्य नाम हो जाएगा ल्यूकोसाइटस। लिम्फोसाइटस क्या है, तो लिम्फोसाइटस के बीटा कोशिका से एंटीबॉडी के निर्माण होता है। एंटीबॉडी के निर्माण कहाँ से होता है, तो लिम्फोसाइटस के बीटा कोशिका से होता है। लाल रक्त कणिकाएं को क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कणिकाएं को कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स में क्या होता है, तो रक्त अस्त्राव को रोक ये क्या करता है, तो रक्त अस्त्राव को रोकने में या घाव भरने में ये सहायक होता है। रक्त के अस्त्राव को रोकने या घाव भरने में सहायक होता है थ्रोम्बोसाइट। आगे देख लेंगे 35 नंबर हो जाएगा, युग्म कजनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है, तो ये हो सकता है ए और बी दोनों, यानी कि टर्नर सिंड्रोम और क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम युग्म कजनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है। मानव में समान रूप से कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो समान रूप से 46 पाए जाते हैं। और जब टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा उस समय गुणसूत्र की संख्या 45 होता है, और डाउन सिंड्रोम के दौरान की गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है, तो एक बढ़ जाता है 47 हो जाता है। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती है, तो लैक्टिक किण्वन में CO2 मुक्त नहीं होते हैं। बाकी पादपों में वायु श्वसन के द्वारा होता है, प्राणियों में वायु श्वसन के दौरान होता है, और एल्कोहलिक किण्वन के दौरान होता है। आगे देख लेंगे 37 नंबर है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक क्या है, तो किसी अन्य को ऑक्सीकृत कर सकता है, तो वो ऑक्सीकारक है। 38 नंबर है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है, तो ये हो जाएगा एब्सेसिक अम्ल। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन हो जाएगा एब्सेसिक अम्ल, और ये क्या है, तो वृद्धि रोधक हार्मोन भी है। एसेटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सिरिका में। जिब्रेलिन जो हार्मोन है, ये पुष्प को लंबा करने वाला हार्मोन है, जिसके खोज किए थे कुरुसोवा 1926 में। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है, और इस हार्मोन के खोज किए थे मिलर 1955 में। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, सोप स्टोन मुक्त क्या होता है, तो सोप स्टोन क्या होता है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। सोप स्टोन मुक्त क्या होता है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। सोडियम सिलिकेट क्या है, तो इसका सोडियम सिलिकेट के अन्य नाम हो जाएगा वाटर ग्लास। किसे कहते हैं, तो सोडियम सिलिकेट को कहते हैं। जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो जंपिंग जीन के सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे बर्बरा मैकली टॉल्क द्वारा जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया गया था। इस बुक में जो इडुटेरिया 75 है, इसमें अधिकतर मात्रा में NCERT से दिया गया है, इसलिए आपको पढ़ने में नर्वस रहेगा, लेकिन एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, DNA का आणविक संरचना किसने दिया था, तो DNA के आणविक जो संरचना दिए थे वाटसन एंड क्रिक, और कब दिए थे, तो 1953 में, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1963 में।
अनुवांशिकी के नियम के विकास किसने किया था? तो ये किए थे ग्रेगर मेंडल ने। आगे देख लेंगे, 41 नंबर हो जाएगा, सर्वात्रिक गुरुत्व स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा m(m^-1), (l^3) और (t^-2)। सर्वात्रिक गुरुत्व स्थिरांक के विमीय सूत्र कौन सा है? तो (m^-1) हो जाएगा, यानी कि -1, (l^3) और (t^-2) हो जाएगा। 42 नंबर हो जाएगा, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो पायरेक्स कांच में अधिक सामर्थ्य के लिए इसमें मिलाया जाता है बोरेक्स। पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो प्रयोगशाला में होता है। बोरेक्स के सूत्र हो जाएगा Na2B4O7 10H2O। बोरेक्स के सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो सोडियम का है। जस्ते का फूल या असद पुष्प किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जिंक ऑक्साइड को। गहना पर पॉलिश करने या चमकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फेरिक ऑक्साइड को। गहना पर पॉलिश करने या चमकाने के लिए फेरिक ऑक्साइड का प्रयोग होता है। आगे हो जाएगा, 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो ये हो जाएगा पिनाका। पिनाका DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। पहली बार कहेगा, पहला स्वदेशी मिसाइल कौन है जिसे पहली बार परीक्षण किया गया था? तो ये हो जाएगा पृथ्वी, और इसका परीक्षण हुआ था 1988 में। और उसके बाद त्रिशूल हो जाएगा, इसका परीक्षण हुआ था 1989 में। आगे हो जाएगा 44 नंबर, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को अपनाया गया था वर्ष 2026 में। NGT का गठन कब हुआ था? तो NGT का गठन हुआ था 2010 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो नई दिल्ली है। डायरेक्ट टू होम यानी कि DDH की शुरुआत भारत में हुआ था 2004 में। भारत में पहली बार IPL की शुरुआत कब हुआ? तो 2008 में, और पहला IPL राजस्थान राज्य ने जीता था। आगे देख लेंगे, 45 नंबर हो जाएगा, पुराने जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो हरियाणा एवं पंजाब में। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और ये सबसे उपजाऊ मृदा भी है। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। आगे देख लेंगे, 46 नंबर हो जाएगा, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? तो जुड़वा घाटा कहते हैं राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा को। इसे क्या कहते हैं? तो जुड़वा घाटा कहते हैं। आगे हो जाएगा 47 नंबर, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 112 में। 48 है, राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किसकी अनुशंसा पर लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी MG राव के अनुशंसा पे। और राष्ट्रीय जल नीति कब लाया गया था? तो राष्ट्रीय जल नीति भी 2002 में लाया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को, और 20 में कहेगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। 49 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें सही सुमिलित नहीं है, विश्व आर्थिक मंच, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क नहीं है। विश्व आर्थिक मंच के मुख्यालय हो जाएगा कोलोगनी, कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के गठन हुआ था 1961 में, मुख्यालय हो जाएगा पेरिस। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिनेवा जिसे अंकटाड कहते हैं, इसका गठन हुआ था कब? तो 1964 में, मुख्यालय कहेगा तो मुख्यालय इसका जिनेवा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गठन 1945 में हुआ था, मुख्यालय कहेगा तो Washington DC है। आगे हो जाएगा 50 नंबर, जूस मिशन का संबंध किससे है? तो जूस मिशन के संबंध कहेगा तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से है। और ये कहाँ का एजेंसी है? अंतरिक्ष एजेंसी तो यूरोप के है। नासा का गठन हुआ था 1958 में, और ये अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत के अंतरिक्ष संस्थान इसरो हो जाएगा, और इसका गठन हुआ था 1969 में, मुख्यालय कहेगा तो बेंगलोर है। जैक्सा कहाँ का अंतरिक्ष संस्था है? तो ये जापान का है। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।